आपको बता दें कि जबलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी विधायक सुशील तिवारी इंदु पर गंभीर आरोप लगे हैं। झूठी रिपोर्ट लिखने से मना करने पर हमले का आरोप है। विधायक पर पटवारी को पिटवाने के आरोप भी लगे हैं उन पर, और साथ ही पटवारी प्रवीण सिंह ने गुंडों से पिटवाने के आरोप लगाए हैं। नाराज पटवारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि सुशील तिवारी इंदु पनागर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बाहुबली विधायक माने जाते हैं। तो विधायक पर पटवारी को पिटवाने के आरोप लगे हैं। कल फिर से राजेंद्र चौधरी का दोपहर में फोन आया, और ये कोई सोहेल अफजल खान ऐसे कुछ नाम था, उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने बुलाया, बोला विधायक जी बुला रहे हैं, आप कार्यालय में आ जाओ और अपनी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो मेरे पास पीडीएफ थी, बाकी हार्ड कॉपी तो तहसीलदार साहब के पास सबमिट है। तो पीडीएफ मैंने वहाँ दिया और उनके ही कार्यालय से वो पीडीएफ प्रिंट हुई। फिर उन्होंने रिपोर्ट में देखा, फिर बोला तुमने इस जो जिसको चाहते थे कि इसके खिलाफ लिखे, कि इसके खिलाफ तुमने क्यों नहीं लिखा। तो मैं बोला मेरे को वहाँ किसी ने ऐसा बताया नहीं और ना ही मेरे को कुछ सबूत मिले, तो मैं इसलिए उस पर नहीं लिखा। तो बोले तुम एक विधायक की बात नहीं मारते। फिर मेरे को उन्होंने भद्दी भद्दी गालियाँ दी और फिर बोला तेरे को कुंडम भेज देता हूँ। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कुंडम तो बाद में जाओगे, पहले लात खाओ। और जो वहाँ थे लोग उनसे हमको पिटवाया उन्होंने। इसमें देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फरियादी हैं, फरियादी क्या सोचते हैं, किस तरह की घटना उनके ऊपर हुई है, उसके आधार पर उनको करना चाहिए। एक ज्ञापन मेरे पास अभी उन्होंने दिया है, उस ज्ञापन में जो तथ्य उन्होंने बताए उस तथ्यों की हम जांच करा देंगे। मीन भाई, जो प्राइम ऑफिसी जो मुझे जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि कुछ मारापीटी हुई है, कुछ अभद्र आचरण हुआ है। ऐसी स्थिति में इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पुलिस की एजेंसी के द्वारा होती हैं, उसमें ज़रूरी है कि जो है वो प्राथमिक सूचना जो है वो थाने पे दे, और थाने वाले फिर उसमें प्रकरण दर्ज करके जो भी यथोचित कार्रवाई होती है इन्वेस्टिगेशन की, वो कार्रवाई उसमें की जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमारिंदर, इस पूरे मामले में अभी जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ खुलासा हुआ है, और साथ ही जिस तरह के आरोप लग रहे हैं विधायक पर उसमें कितनी सच्चाई, क्या सिद्ध हो पाया है अभी तक? देखिए, खुलासे की बात तो अभी बहुत दूर तक है क्योंकि अभी जांच शायद शुरू भी नहीं हो पाई है। कल जब पटवारी, जो पीड़ित पटवारी विधायक इंदु तिवारी की शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे थे, तो कलेक्टर ने जरूर इस बात को कहा था कि आपने इस बात की पुलिस थाने में शिकायत कराई है कि नहीं कराई है। तो कल तक इस मामले में पुलिस में कोई भी FIR नहीं हुई थी। कलेक्टर के पास जरूर पहुंचा था पटवारी संघ जो था, तमाम पटवारी यहाँ की जबलपुर के आए थे और कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, और ये भी कहा था कि यदि कार्रवाई नहीं होती तो पीड़ित पटवारी जो है अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे देंगे। खास बात यह कि पीड़ित पटवारी जो है एक्स आर्मी मैन है, फौज की नौकरी करके रिटायर हुए, उसके बाद जो 2018 से पटवारी की नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ। पीड़ित पटवारी से भी हमने बातचीत की कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमको विधायक ने बुलाया था और एक झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। जब विधायक की बात पटवारी ने मानने से इनकार कर दिया तो उसने उसको ट्रांसफर करने की धमकी दी, और जब ट्रांसफर की धमकी पर विधायक की धमकी पर नहीं माने तो विधायक ने उसको अपने ही आदमियों से अपने ही ऑफिस में बुलाकर जो है लात घूंसे से पिटवाया, जिसमें सुहेल खान, अमन चौधरी और 2-3 लोगों के नाम जो आ रहे हैं। हालांकि अभी तक FIR नहीं हुई है, जांच कमेटी कब बनेगी, कैसी जांच करेगी नहीं पता। लेकिन बात आपको बता दें, विधायक इंदु तिवारी की पहला मौका नहीं कि इंदु तिवारी इस तरह की हरकतों को लेकर इस तरह से लाइट में आए हैं। पहले भी बहुत सारे विधायक के इंदु तिवारी के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, जमीन का मामला हो, धमकाने का मामला हो, मारपीट का मामला हो, ऐसे बहुत सारे मामलों में उनकी सुर्खियों में रहे हैं। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने भी उन पर खुलेआम आरोप लगाया था किस तरह से जो है वो माफिया का काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो गरीबों का राशन होता है उसको किस तरह से बंदरबांट कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात भी की थी। लेकिन वो बात सिर्फ बयानबाजी तक सिमटी रही, हाईकोर्ट तक ना तो इंदु तिवारी गए ना दिग्विजय सिंह गए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आरोप में रहना, सुर्खियों में रहना, ये कह सकते हैं कि अपने आप को बाहुबली बताने की कोशिश को यहाँ पर इंदु तिवारी करते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकारी अधिकारी पर मारपीट का आरोप लगा है तो उसकी जाँच होती है, जाँच होती है तो किस दिशा में होती है, क्या इंदु तिवारी पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या फिर से एक बार नौकरशाही जो है वो राजनीति का शिकार होती है। जी बिल्कुल, नौकरशाही एक बार फिर से राजनीति का शिकार होती हुई नजर आएगी, या फिर जांच किस दिशा में होती नजर आएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। कुमारिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।